विनय रजानी हमारे साथ हैं. विनय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है. विनय, आपकी अप्रोच क्या होगी इंडस्ट्रीज पे दोनों पे? गुड आफ्टरनून वीरेन. डेफिनेटली बैंक निफ्टी आज आउट परफॉर्म कर रहा है. इनफैक्ट बैंक निफ्टी ने जो कल का हाई था 32,315 का, वो क्रॉस कर लिया है, जबकि निफ्टी के केस में वो 12,222 के करीबन है. तो डेफिनेटली टेक्निकल सेटअप तो यही डिमांड करता है कि बैंक निफ्टी में ज्यादा अगर लॉन्ग जाना चाहते हैं तो बैंक निफ्टी में एग्रेसिव लॉन्ग्स कर सकते हैं. ओवरऑल स्ट्रेटेजी भी ये रहनी चाहिए, जो हमने डेटा देखा है, जैसे आपने भी डिस्कस किया, जो 12,000 के लेवल पे जो पुट राइटिंग हो रही थी और 12,200 पे जो कॉल राइटिंग हो रही थी, अगर आज के सेशन के दौरान 12,200 के ऊपर बंद आ जाता है तो मार्केट के लिए काफी अच्छा हो जाएगा सेटअप, और फर्दर हम आगे अच्छी खासी बाइंग उसमें मोमेंटम देख सकते हैं. तो आज का क्लोज 12,200 के ऊपर आता है तो डेफिनेटली एक पोजिशनल स्ट्रेटेजी मोमेंटम बाइंग आ सकती है निफ्टी के लेवल्स के बात करें तो. और जहां तक ट्रेडिंग की बात है तो मेरे हिसाब से निफ्टी में लॉन्ग करके ही चलना चाहिए, क्योंकि जो प्राइमरी ट्रेंड है वो अपसाइड का है. 12,200 पे निफ्टी लॉन्ग कर सकते हैं, 12,100 का एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रखिए, और अपसाइड में 12,325 का टारगेट आप नेक्स्ट 3 से 4 दिन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं. और बैंक निफ्टी में करीबन 32,340 के करीबन आप लॉन्ग कर सकते हैं 32,000 का स्टॉप लॉस, और अपसाइड में आप टारगेट करीबन 32,800 का रख सकते हैं नेक्स्ट 3 to 4 सेशन के लिए. ओके, निफ्टी और निफ्टी बैंक पर आपकी अप्रोच क्या है, ये हमने जाना. अब आते हैं आपके स्टॉक फ्यूचर्स पे, जहां पे आप लॉन्ग हैं या फिर शॉर्ट जाने की राय दे रहे हैं. निफ्टी पर, निफ्टी बैंक पर आपका व्यू क्या है? हमने समझा टारगेट्स 32,800, यानी जैसे कि मैं कल्पना कर रहा हूं कि 32,500 का जोन निकलना चाहिए इन स्टेट्स के साथ, ये आपका भी बिलीफ है. अब आपके स्टॉक स्पेसिफिक, आई मीन आप एनबीएफसीज पे और बैंक्स पे ज्यादा कैपिटलाइज और फोकस और लॉन्ग करने की बात कह रहे हैं, एक एक करके ट्रेड समझाइए अपने. जी वीरेन, मेरा फर्स्ट पिक है बजाज फिनसर्व. ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे ही चल रहा है, और हमने पिछले 4-5 सेशन में एक छोटा कंसोलिडेशन देखा, और वो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आते पिछले 5 दिन का हाई क्रॉस होते हुए देखा है, और हम देख रहे हैं कि लगातार ये स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं और मोमेंटम इन्हीं स्टॉक्स में हमको दिख रहा है. तो बजाज फिनसर्व के फ्यूचर्स को, जनवरी फ्यूचर्स को आप बाय करके चल सकते हैं 9460 के करीबन, 9355 का एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रखिए, और अपसाइड में 9700 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सेकेंड पिक मेरी प्राइवेट बैंक में से है एक्सिस बैंक. एक्सिस बैंक का जो ओपन इंटरेस्ट है वो जनवरी 2018 के बाद हाईएस्ट लेवल पे है, और इसका जो प्राइमरी ट्रेंड है टेक्निकली वो पॉजिटिव है. हमने देखा है कि 200 दिन की एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेने के बाद एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखा है एक्सिस बैंक में, और आज वॉल्यूम्स भी काफी कन्विंसिंग है. तो जनवरी का फ्यूचर एक्सिस बैंक का लेके चलना चाहिए, 755 के करीबन लीजिए, 740 का एक स्टॉप लॉस रखिए, और अपसाइड में 775 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. थर्ड पिक मैं ऑप्शन में दूंगा एनबीएफसी स्पेस एलएनडी फाइनेंस. उसमें भी एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट आया है, लो वॉल्यूम से कंसोलिडेट हुआ और आज हायर वॉल्यूम से उसमें ब्रेकआउट आए हैं. तो आप उसमें जनवरी का 122.5 का जो कॉल ऑप्शन है वो लेके चल सकते हैं, जो अभी करीबन 3.40 के करीबन ट्रेड कर रहा है. आप स्टॉप लॉस ट्रेडिंग के लिए 2 रुपए का रखिए, और अपसाइड में आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये 5.25 रुपए का टारगेट आपको दिखा सकता है. और ये तीनों जो पिक है उनका टाइम फ्रेम 1 वीक का रखना चाहिए. ओके, देखिए मेरे को इस वक्त एक सेक्टर जो कि बड़ा अच्छा बेस बना के ऊपर निकल रहा है वो है फार्मा. फार्मा नजर आ रहा है, और जिस स्टॉक को मैंने पकड़ा है आज, उसका उस स्टॉक ने बहुत बेहतरीन एक पैटर्न बनाई है लोअर बेस पे, और आज अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काटने के बेहद नजदीक खड़ा है. प्लेसिंग ये कह रही है कि 30 रुपए का मूव आना चाहिए. और विंडो फार्मा की जरा प्लीज एक बार आप 470 की कॉल ऑप्शन लेके आइए. 470 का कॉल ऑप्शन क्या कर रहा है? 465 रुपए 60 पैसे पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है. इसका 470 का कॉल ऑप्शन जो है वो ट्रेड कर रहा है 20 रुपए के आसपास. याद रखिए अरविंदो फार्मा एक टिपिकल अक्टूबर से लेकर आज के बीच में इसने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाया है, जिसका ब्रेकआउट एग्जैक्टली 460 के पॉइंट पे ही होना चाहिए. इसका 460 का अगर ब्रेकआउट आता है, 461 के ऊपर ही निकलता है, 67 के ऊपर सेटल होता है, तो इसका नेक्स्ट पोजिशनल टारगेट आता है, याद रखिए कम से कम नहीं तो 510, विच इज एग्जैक्टली इट्स 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. इसका 100 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है. इसके फ्यूचर्स में अगर आप देखें आज 1.5% का ओआईडेशन है, लेकिन याद रखिए क्या होता है कि टारगेट क्या हो सकता है, कॉल राइटर कहां ग्रिप ले रहा है. कॉल राइटर अगर कहीं ग्रिप ले रहा है तो वो ले रहा है 520-510 के जोन में. दैट मीन्स मेरे पास 30-40 पॉइंट का या फिर एटलीस्ट
उस 100 डेमा तक का सफर जो है वो आराम से हम तय कर सकते हैं, इस बात की पॉसिबिलिटी बन रही है, याद रखिएगा। तो मूव अच्छा दे रहा है, ये 2160 पे आ चुका है। स्टॉक एग्जैक्टली क्या कर रहा है, स्टॉक भी ऑलमोस्ट आप देखिए जी हाँ डे हाई पर है, कारोबार कर रहा है, और ये इंडेक्स भी जो है डे हाई पर आ चुका है। इंडेक्स डे हाई पे, स्टॉक डे हाई पर, ऑप्शन डे हाई पे, इससे बेहतरीन कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता। विनय, क्या राय रहेगी आपकी? एक शानदार स्ट्रक्चर, और सबसे बड़ी बात है कि आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है। 28-30 रुपए की रेंज का ही ऑप्शन हो सकता है क्या? वीरेन, अभी जो 467 पे प्राइस चल रहा है, मेरे हिसाब से रेजिस्टेंस 490-488 के करीबन बैठता है, तो अरबिंदो फार्मा डेफिनेटली, और अगर निफ्टी फार्मा इंडेक्स की भी बात करें तो जो अक्टूबर मंथ में जो बुलिश हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न हमने निफ्टी फार्मा इंडेक्स में देखी थी, तो उसके चलते तो मेरा ओवरऑल फार्मा सेक्टर पे भी व्यू पॉजिटिव है, और बायोडिप्स का स्ट्रेटेजी हम हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंड कर रहे हैं। हमारी पसंदगी के शेयर सिप्ला भी रहा है और लुपिन भी हमारा पसंदगी का शेयर है, तो जो एक्यूमुलेट करने का अच्छा टाइम है इन्वेस्टर्स के लिए भी। जहां तक कॉल की बात करें तो अरबिंदो फार्मा का जो 470 का कॉल है वो 2150 के आसपास चल रहा है। मेरे हिसाब से जो इसका प्रीवियस जो रेजिस्टेंस जहां पे लिया था वो 2930 के करीबन दिया था, तो इतनी तो जगह बन रही है करीबन। आज का लो जो है 17 रुपीज का, उसका स्टॉप लॉस रखिए, और अपसाइड में 29 से 30 का टारगेट हम अरबिंदो फार्मा का 470 कॉल जनवरी में देख सकते हैं। मेरे पे कुछ ऑप्शंस के और विकल्प हैं, और मैं थोड़ा सा और इनफेक्ट कुछ रिसर्च निकाल के आया था कि क्या हमें एग्जैक्टली करना चाहिए। अच्छा, एक सेकेंड ऑप्शन और लेके आइए प्लीज। ये ऑप्शन है मन्नापुरम फाइनेंस की 177.50 की कॉल। जरा प्लीज मन्नापुरम फाइनेंस की वो कॉल लेके आइए। वो ट्रेड उस टाइम जब मैंने निकाला था एग्जैक्टली, अगर आप देखें ये कहां पे ट्रेड कर रही है, 6.95 रुपए, 177.50 की अगर आप देखें कॉल। मन्नापुरम फाइनेंस में मैं इनफैक्ट आपको एक चीज बताता हूं, हमें थोड़ा वक्त लगेगा एग्जैक्टली। मन्नापुरम जी हाँ, इसमें फर्स्ट डे ऑन दिस पर्टिकुलर सीरीज ओआई एडिशन हुआ है 24,18,000 शेयरों का। ओआई 14% एक सीरीज के पहले दिन बढ़ना, याद रखिए, कोई मामूली बात नहीं है। इस ऑप्शन को कहां तक हम ब्रेक कर सकते हैं या फिर कहां तक आ सकता है ये, क्योंकि बाइंग अच्छी खासी है। और इसमें अच्छी बात यह है, अगर मैं देखूं इसको, मेरे पास वो ऑप्शन का डेटा नहीं है, लेकिन 182-185 की रेंज तक कोई टफ रेजिस्टेंस है नहीं। विनय, आपकी अप्रोच क्या है, इस ऑप्शन को कैसे अप्रोच करेंगे आप? जो एक कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट देखा है मन्नापुरम फाइनेंस में, आज वॉल्यूम्स भी काफी कन्विंसिंग है, और पूरा सेक्टर अगर आप मुथूट फाइनेंस की भी बात करें तो मुथूट फाइनेंस में भी सेम पैटर्न है और अच्छा खासा मोमेंटम है। तो 180 का कॉल अगर लेते हैं हम मन्नापुरम फाइनेंस का जनवरी का, तो करीबन 6 रुपए के आसपास वो ट्रेड कर रहा है, तो उसमें आप ट्रेडिंग पोजिशन अभी भी बना सकते हैं। अभी जो 52 वीक हाई पे, ऑल टाइम हाई पे जो अच्छी क्वालिटी कंपनी है और जो लिक्विडिटी वाली कंपनी है वो लगातार रिटर्न दे रही है, तो 6 रुपए वाला कॉल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 9.5-10 का टारगेट आपको दिखा सकता है। और करीबन जहां पे स्टॉप लॉस की बात है तो मेरे हिसाब से 4.70 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप लॉन्ग कर सकते हैं। ओके, तो ज्यादा हालांकि कन्विंसिंग जिस हिसाब से दिख रहे हैं ना, मेरे को लग रही है वो अरबिंदो की कॉल अभी भी, याद रखिए, 21.40 पे ट्रेड कर रही है। शानदार मूव दिया, और अभी देखिए 2 रुपए मूव किया इसने, और बाकी जो मूव आता है वो सेकंड हाफ का आता है, तो नजर रख के चलिएगा। स्टॉप लॉस आज का लो भी रख सकते हैं या फिर अंडरलाइन के हिसाब से 463-64 की रेंज में रख सकते हैं। शुक्रिया विनय, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर आ रखी आपने, और निफ्टी डे हाई पर, निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट डे हाई पर। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद देखिए आज की एक खास पेशकश, एक छोटे से ब्रेक के बाद नीरज वाजपेयी के साथ। नमस्कार।